यार मैं परेशान हूँ इसलिए तुम्हें कॉल की है। कहीं बाहर का खाना खा खा के आपका स्टमक अपसेट तो नहीं हो गया? एक काम करें, मोना से कहें आपको खिचड़ी भिजवा दे। खिचड़ी खाएंगे ना, सब ठीक हो जाएगा। पेट नहीं खराब, दिल परेशान। दिल परेशान है? इतनी छोटी उम्र में आपको दिल का प्रॉब्लम हो गया? मेरे एक चचा थे ना, उनको भी यही मसला था। फिर ना बस वो हॉस्पिटलों के चक्कर लगाते रहे। मेरी डॉक्टर तो तुम हो ना, तुम इलाज करोगी, पर इतनी दूर बैठी हुई हो। वैसे तुमने मुझे जिब्रान के बारे में कभी बताया नहीं। जिब्रान के बारे में क्या बताती, मुझे उसकी हॉबीज वगैरह का कुछ पता ही नहीं है। वो तुमसे शादी करना चाहता था और तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता। तो वो तो मुझसे अब भी शादी करना चाहता है। मुझे एक इम्पोर्टेंट काम याद आया, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। हाय तानिया। हाय। जानती हो आज क्या हुआ है? हाँ जानती हूँ, तुम्हारी तुम्हारे हस्बैंड के साथ लड़ाई हो गई होगी, और वैसे भी वो हर वक्त गुस्से में रहता है। देख लेना कहीं ऐसा ना हो तुम्हें गुस्से में घर से बाहर ही निकाल दे। अरशद कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। माना कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स की वजह से कभी कभी उसका मूड खराब होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे घर से निकाल देगा। जानती हो कितना प्यार करता है मुझसे। ठीक है, बनती रहो तुम उसके हाथों बेवकूफ। जब तुमने डाइवोर्स नहीं लेनी तो यहाँ मेरे पास क्या करने आई हो? मैं तुम्हें बहुत मजे की गुड न्यूज सुनाने आई हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, तुम्हारे किसी इंटरव्यू में किसी मियाँ बीवी की लड़ाई हो गई होगी। अच्छा एक काम करना, मुझे ना वाइफ का एड्रेस दे देना, तो मैं उसके घर जाऊंगी और उसे समझाऊंगी और उन दोनों का डाइवोर्स करवाऊंगी। तुम्हें पता है आज मैंने मोना का इंटरव्यू किया, मोना बाबर का। क्या तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? तो मुझे कुछ बोलने देती तो मैं तुम्हें कुछ बताती ना। 100 मील पर सेकंड की स्पीड से तो तुम बोले जा रही थी। अच्छा ये बताओ कि मोना ने बाबर के बारे में क्या कहा, और जो लोग उसके बारे में ट्रोल कर रहे हैं उसका उसके बारे में क्या कहना था? कुछ दिनों बाद इंटरव्यू आएगा ना, देख लेना, इतना मजा आएगा ना। मैंने बहुत मुश्किल से मनाया था मोना को। अच्छा मेरा एक काम कर दो ना। या अल्लाह खैर, पता नहीं क्यों आज सुबह से ही मुझे उल्टे सीधे वहम आ रहे हैं। या अल्लाह मेरे बच्चे खैरियत से हों, बस मैं आज ही इनका सदका दूंगी, इंशाल्लाह सब ठीक होगा इंशाल्लाह। हाँ जिब्रान, नहीं अभी तो हम हैं कुछ दिन और,